वेलकम टू एमकेएलसीसी ग्रुप एंड एमके लेबोरेटरीज कोचिंग सेंटर। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएलसीसी ग्रुप पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है और आज हम लोग गणित का एक टॉपिक पॉलिनोमियल बहुपद से बात करेंगे। दोस्तों, यह क्लास जीरो लेवल से हाई लेवल तक होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और जो बगल में बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे भी बजा दें ताकि इस तरह से नए नए नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ये बात बताइए, ये एक स्क्वायर और इसकी साइड हम एक्स ले लेते हैं। तो हमें ये बताइए कि अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, एरिया जिसे हम क्षेत्रफल भी कहेंगे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एरिया हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से एक स्क्वायर हम और लेते हैं, एक वर्ग और लेते हैं, तो बताइएगा जरा इसकी भुजा हम दो ले लेते हैं, दो मीटर दो से कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दो का स्क्वायर। अगर हम एक और वर्ग ले लेते हैं और उसकी भुजा हम एक रखते हैं, एक मीटर एक सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक का स्क्वायर। अर्थात यहां देख रहे हैं कि एक्स के जगह हम कुछ भी रख रहे तो उसका स्क्वायर हो जा रहा ना दोस्तों। एक्स के जगह पर हम यहाँ दो रखे, एक रखे, कुछ भी रखे, क्षेत्रफल निकालने में क्या हो जा रहा है? उसी का पावर टू, उसका स्क्वायर हो जा रहा है। मतलब एक्स क्या है? वेरिएबल है। क्या है? एक्स वेरिएबल है, चर राशि है। मतलब एक्स के किसी भी मान के लिए, एक्स के किसी भी मान के लिए इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, चाहे एक्स का कोई भी मान हो, दो रहे तीन रहे एक रहे कुछ भी रहे। तो दोस्तों, इससे यह निष्कर्ष निकला, यह एक्स स्क्वायर क्या है? एक वेरिएबल है, चर है। अच्छा, जो इसको पढ़ते क्या है दोस्तों? तो इसको हम लोग पावर पढ़ते हैं या एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक्सपोनेंट। इसको क्या क्या बोल सकते हैं? पावर या घात भी बोलते हैं, याद रखेंगे। इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सपोनेंट, पावर। तो दोस्तों, ये हम लोग निकाले किसी वर्ग किसी स्क्वायर से लेकर निकाले तो यह हमको प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब एक्स किसी भी मान के लिए, एक्स का मान कुछ भी ले सकते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर ये प्राप्त हुआ, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। और देखते हैं उसी तरह से, अगर हम इसी का मान लीजिए ये स्क्वायर है और इसका अगर कहे पेरीमीटर निकालने के लिए, परिमिति, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जानते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है चार गुना भुजा। तो यहां पर फोर और भुजा कितना है दोस्तों? एक्स। अगर इसी तरह से हम कोई और वर्ग लेते हैं, कोई और स्क्वायर लेते हैं
और इसका मान हम 2 रखते हैं तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 2। और लेते हैं दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऊपर कर देते हैं। मान लीजिए हम एक स्क्वायर और लिए और इसका रख लिए 3, कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 × 3। तो यहां भी देख रहे दोस्तों x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, x के किसी भी मान के लिए इसका पेरीमीटर निकल रहा है तो क्या निकल रहा है 4x। x से अब हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां से एक और प्राप्त हुआ दोस्तों, क्या 4x, ठीक है। अच्छा इससे आगे बढ़ते हैं, हम बताना फिर चाह रहे हैं कि जो पॉलीनोमियल पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या रहता है, बेसिक से चल रहे हैं दोस्तों। हड़बड़ाइएगा नहीं, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, यह वीडियो 0 लेवल से हाई लेवल तक होगा, इसलिए हड़बड़ाए नहीं और धैर्य से देखें वीडियो, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। तो एक हम रेक्टेंगल लेते हैं मान लीजिए, और इसकी हम जानते हैं कि रेक्टेंगल आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अगर हम लंबाई x लिए, चौड़ाई y हो गया, तो इसके सामने की भुजा x और इसके सामने की भुजा y। तो इसका कमेंट जरूर करें, अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें, और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों। और मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अच्छा ये बात मत भूलिएगा कि इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये तो याद होगा कि इसको हम क्या क्या कहते हैं, तो पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं और घात कहते हैं, याद है ना, याद रखेंगे, इसे पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और घात भी कहते हैं दोस्तों। तो उसी तरह से अब अगर हम इसका डिफिनेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम पॉलीनोमियल का डिफिनेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं वैसा बीजीय व्यंजक, इसे क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें चर राशि, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि के घात या पावर या एक्सपोनेंट, देखें दोस्तों वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे जिसमें चर राशि, चर राशि को क्या कहेंगे, वेरिएबल, वेरिएबल, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि के घात पावर या एक्सपोनेंट क्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर। पूर्ण संख्या हो या नॉन नेगेटिव, ध्यान देंगे दोस्तों नॉन नेगेटिव नंबर हो तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीनोमियल कहेंगे, हो तो उसे पॉलीनोमियल, अर्थात क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि अर्थात वेरिएबल के घात पावर या एक्सपोनेंट क्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या को हम
नॉन नेगेटिव नंबर भी कह सकते हैं। वो कैसे, तो यहां देखेंगे दोस्तों, ये बीच में शून्य हो गया, इधर पॉजिटिव नंबर एक दो तीन चार पांच डॉट इनफाइनाइट, इधर हो जाएगा दोस्तों माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। तो कह रहा है नॉन नेगेटिव, ये दोस्तों ये शून्य हो गया, इधर से जितना है सब नेगेटिव नंबर है। क्या दोस्तों, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। और नॉन नेगेटिव इसे छोड़ देंगे तो पूरा क्या हो गया, नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर तो दोस्तों इसी को तो पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर, अर्थात नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या के सदस्य में शून्य को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, होल नंबर प्राप्त होता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि के घात पावर एक्सपोनेंट पूर्ण संख्या या नॉन नेगेटिव नंबर हो तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, पॉलीनोमियल बहुपद कहेंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, याद कर ले, वैसा बीजीय व्यंजक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि के घात पावर एक्सपोनेंट या पूर्ण संख्या या नॉन नेगेटिव नंबर हो तो उसे पॉलीनोमियल अर्थात बहुपद कहते हैं। तो चलते हैं, पूर्ण संख्या का मतलब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, और नॉन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर को छोड़ देंगे तो जो बच गया उसे क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव नंबर। और चर राशि वेरिएबल किसी भी मान के लिए, अब थोड़ा सा यह विचार करेंगे दोस्तों, एक पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल ये दो शब्दों के मिलने से बना है दोस्तों, पॉलीनोमियल दो शब्दों के मिलने से बना है, एक पॉली, पॉली का मतलब होता है मेनी, और इसे कह सकते हैं बहुत, और नोमियल के मतलब होता है टर्म, और टर्म के मतलब होता है पद, अर्थात बहुत सारे पद के मिलने से जो बनता है व्यंजक उसे क्या कहते हैं, बहुपद। याद रखेंगे पॉलीनोमियल दो शब्दों के मिलने से बना है, एक पॉली एक नोमियल, पॉली का अर्थ होता है मेनी, मेनी को क्या कहते हैं, बहु, और नोमियल टर्म, और टर्म को क्या कहते हैं, पद। तो बहुत सारे पदों के मिलने से जो बनता है उसे क्या कहेंगे, बहुपद। तो थोड़ा सा इसे आगे जानेंगे, यहां तक तो समझ में आ गया दोस्तों कि बहुत सारे पदों के मिलने से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। और ध्यान देंगे, उस बीजीय व्यंजक, उस बीजीय व्यंजक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चर राशि, यहां ध्यान देंगे, चर राशि के घात पावर या एक्सपोनेंट पूर्ण संख्या हो तो क्या कहलाता है दोस्तों, बहुपद कहलाता है। अर्थात बहुत सारे पदों के मिलने से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, बहुपद। और जिसमें चर राशि के पावर या घात या एक्सपोनेंट क्या हो, पूर्ण संख्या हो तो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया हो दोस्तों कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि के घात पावर एक्सपोनेंट पूर्ण संख्या होल नंबर नॉन नेगेटिव नंबर हो तो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। और बहुत सारे पदों के मिलने से जो व्यंजक प्राप्त होता है बहुपद कहलाता है, और उसमें चर राशि के घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो अब आगे बढ़ते हैं, बहुपद में एक बात ध्यान देंगे, बहुपद में
बहुपद में जरूरी नहीं है, ध्यान देंगे, बहुपद में जरूरी नहीं है कि एक चर हो। हाँ दोस्तों, बहुपद में जरूरी नहीं है कि एक चर हो, मतलब आप बहुपद ऐसे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, और भी देख सकते हैं एक्स स्क्वायर फाइव एक्स थ्री वाई सेवन जेड, इस तरह से भी देख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि बहुपद में सिर्फ एक चर हो, एक वेरिएबल हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं। याद रखेंगे, बहुपद में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चर हो, बहुत सारे भी चर हो सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग एक चर वाले ही देखेंगे। तो और एक बात और ध्यान देंगे दोस्तों कि बहुपद में जो टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, मतलब जिसको हम जान सकते हैं कितने पद हैं। बहुपद के जो पद हैं, जैसे इस प्रकार देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें तीन पद हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि इनफाइनाइट हो सकता है, बहुपद के पद फाइनाइट होते हैं, डिफाइंड उसको कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बहुपद में कितने पद हैं। तो हम लोग कुछ बहुपद पर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। याद रखेंगे, बहुपद के टर्म क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, उसे हम बता सकते हैं कि कितने पद हैं। बहुपद के पद इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं, फाइनाइट होते हैं, उसे हम बता सकते हैं, बहुत सारे पद मगर बता सकते हैं कि कितना पद हैं। और बहुपद में जरूरी नहीं है कि चर राशि एक ही हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब कुछ प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि क्या यह बहुपद है या नहीं है। जैसे हम एक क्वेश्चन लें, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, क्या यह बहुपद है? तो दोस्तों देखेंगे क्या बोले, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि के घात पूर्ण संख्या हो। तो यहां पर चर राशि क्या है दोस्तों, यहाँ x है, तो यहाँ पर x का पावर क्या है, 2 है, यहाँ पर x का पावर क्या है, 1 है, तो क्या 2 और 1 पूर्ण संख्या है? तो है दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। और देखते हैं एग्जाम्पल, 7x³ + 5x² - 3x + 4, तो बताएं क्या यह बहुपद है? देखें दोस्तों, यहाँ पर चर राशि का पावर 3 है, 2 है, 1 है, 3, 2, 1, क्या यह पूर्ण संख्या है? तो हाँ दोस्तों, यह पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद होंगे। और देखते हैं, √3x² + 7x² - 3x + 2, यहां भी देखें दोस्तों चर राशि का पावर देखना है, तो चर राशि का पावर पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो दोस्तों चर राशि का पावर पूर्ण संख्या है, 5 है, 4 है, 1 है, तो पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी बहुपद है। उसी प्रकार से अगर हम देखें 7x³ - 2x² - 5x + 4, तो क्या दोस्तों यह बहुपद है, क्या यह बहुपद होगा? तो बहुपद की परिभाषा ही कहती है कि वह ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का पावर पूर्ण संख्या हो। तो बताएं, इसके पावर तो 3 है, पूर्ण संख्या है, इसके पावर बटा है 1/2, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? क्या यह नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सदस्य में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, और नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को कहते हैं, तो क्या इसे हम गिनते हैं, आधा गिनते हैं, 1/2? नहीं, अर्थात इसमें चर राशि का पावर प्राकृत संख्या अर्थात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। और देखते हैं दोस्तों, अगर हमने एक्स के पावर 5 3x के पावर
माइनस टू प्लस सेवन एक्स, क्या यह बहुपद होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ चर राशि का पावर पूर्ण संख्या है, यहाँ एक्स के पावर माइनस दो है, क्या माइनस दो? हम क्या बोले थे परिभाषा में, डिफिनेशन में, नॉन नेगेटिव नंबर, ये तो नेगेटिव नंबर है, तो क्या यह बहुपद होगा? नहीं होगा दोस्तों, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। और देखते हैं एग्जाम्पल से ही, ज्यादा एग्जाम्पल लेने से आपको ज्यादा समझ में आएगा दोस्तों, इसलिए धैर्य रखें और शांति से वीडियो को अंत तक देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर हम x के पावर 5 प्लस 5 रूट एक्स प्लस 6, तो क्या यह बहुपद है? तो दोस्तों यहां पर चर राशि का पावर 5 है और यहां रूट में है, तो जानते हैं दोस्तों घटान करने में पढ़े होंगे, अगर रूट को तोड़ना रहता है तो रूट कैसे टूटता है दोस्तों? अगर रूट एक्स को हमको तोड़ना है तो एक्स को एक्स लिखते हैं और इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों? एक है। क्या है? एक है। और इसके अंदर क्या रहता है? दो छिपा हुआ रहता है, कुछ नहीं रहे तो क्या? दो। तो अगर इसे हम तोड़ेंगे तो एक्स के पावर 1/2, इसका एक फॉर्मूला होता है कि ए एम एन, तो तोड़ने पर क्या होता है? ए के पावर एम बटा एन। तो दोस्तों देखें, इसको हम तोड़ दें तो क्या आया दोस्तों? 1/2। तो क्या एक्स का पावर पूर्ण संख्या है? तो नहीं है। तो क्या यह बहुपद होगा? नहीं होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? आशा करती हूँ समझ में जरूर आ रहा होगा दोस्तों। अब कुछ एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आप जिससे जुड़े हुए हैं उससे आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो बताएं दोस्तों, अगर रूट 3x के पावर 5 प्लस 5x के पावर 4 माइनस 7x प्लस 3, तो क्या यह बहुपद है? पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को अगर हम ट्रिक से, हिंट से समझे, तो पावर को हम लोग पावर में माइनस नहीं रहना चाहिए, पावर बटा में नहीं रहना चाहिए, मान लीजिए बटा में नहीं रहना चाहिए, पावर रूट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और चर राशि बटा में नहीं रहना चाहिए, चर राशि भी बटा में नहीं रहना चाहिए। वो कैसे दोस्तों? तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, यह बहुपद है या नहीं है। तो चर राशि का पावर 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, मगर यहाँ रूट में है। तो दोस्तों क्या बताया गया था? वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि, यह चर राशि नहीं है, यह रह सकता है, चर राशि हमको देखना, सिर्फ सिर्फ चर राशि, तो यह पूर्ण संख्या में है या बहुपद है, इसलिए ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ चर राशि को देखना है। तो अब इस बात को समझ लेते हैं कि कैसे समझेंगे शॉर्ट में कि बहुपद है या नहीं है। तो किसी भी चर राशि, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर राशि का पावर माइनस नहीं रहना चाहिए, चर राशि का पावर बटा में नहीं रहना चाहिए, चर राशि रूट में नहीं रहना चाहिए, और चर राशि खुद अपने बटा में नहीं रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों, भिन्न में नहीं रहना चाहिए। तो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। जैसे देख सकते हैं 3x के पावर -2 प्लस 5x प्लस 7, तो क्या यह बहुपद होगा? नहीं होगा। और देखें दोस्तों 7x के पावर 5 प्लस 6x के पावर 3/2 प्लस 9, तो क्या यह बहुपद में होगा? नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है? बटा में है। उसी तरह से 3x के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7√x माइनस 9, क्या बटा में होगा? तो देख रहे दोस्तों यह रूट में है, नहीं होगा। उसी प्रकार से 7x के पावर 5 प्लस 3/x, तो क्या यह बहुपद होगा? तो दोस्तों यह भी बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो जानते हैं दोस्तों 7x के पावर 5 प्लस 3 गुना 1/x, अगर हम इसे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 गुना
एक्स के पावर माइनस वन, मतलब पावर नीचे जो है ऊपर ले जाने पर क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो देखें दोस्तों, अगर पटना में भी है तो ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो आशा करता हूँ इतना एग्जाम्पल से, बहुत सारे एग्जाम्पल ले इससे आपको बहुपद समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दे दोस्तों, क्योंकि आपको एक दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे दोस्तों। अब चलते हैं, अभी तक हम लोग देखे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन और पॉलिनोमियल पहचानने के लिए कि क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है। अब कुछ इसमें कोफिशियंट के बारे में जानते हैं, गुणांक के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें आपसे पूछे क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट गुणांक क्या है, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, गुना हुआ है, जैसे ए गुना एक्स स्क्वायर है ना दोस्तों, एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुना हुआ हुआ है, ए। तो पूछे आपसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह से अगर एक्स का गुणांक पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। देख रहे, अगर इसी तरह से इस प्रश्न में देखें, 7x के पावर 5, 9x के पावर 4, 3x के क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5। अगर आपसे पूछे कि x के पावर 5 का कोफिशियंट क्या है, गुणांक क्या है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 7। x के पावर 4 का पूछे तो क्या हो जाएगा, 9। एक्स के पावर 3 का गुणांक पूछे तो क्या हो जाएगा, 3। एक्स के पावर 2 का पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। उसी तरह से एक्स का गुणांक पूछे तो क्या हो जाएगा, इसमें तो एक्स है नहीं, एक्स है मगर देखिए एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 2, एक्स नहीं है, मतलब एक्स के पावर 1 नहीं है। तो जिसका गुणांक पूछे और वह बहुपद में नहीं हो, जिसका गुणांक पूछे और वह खुद अपने बहुपद में नहीं हो, तो उसका गुणांक क्या हो जाता है, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाता है दोस्तों, शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य होता है, जीरो। क्या एक्स इसमें है, अगर आपसे पूछ ले वाई का गुणांक क्या होगा, तो वाई का गुणांक भी शून्य होगा क्योंकि इसमें वाई है। अगर पूछे आपसे एक्स के पावर 10 का गुणांक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं है। जो नहीं रहे और वो पूछे तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे 7x के पावर 5 माइनस 3x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछे कि बताएं x के पावर 3, x के पावर 3 का कोफिशियंट गुणांक क्या है, तो x के पावर 3 का कोफिशियंट क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 3, जो इसके साथ गुणा हुआ रहे उसको, यहाँ माइनस 3 हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पूछे x के पावर 5 का गुणांक तो क्या बोलते हैं, 7, तो कहेंगे इसमें चिन्ह नहीं लिखे, तो दोस्तों आगे चिन्ह छिपा हुआ रहता है, प्लस छिपा हुआ रहता है, अगर नेगेटिव रहे माइनस रहे तो माइनस को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो गुणांक समझ में आ गया दोस्तों। अगर पूछे आपसे इस प्रश्न में x के पावर 2 का, x के पावर 2 का x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। x का गुणांक पूछे तो क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अच्छा, y का गुणांक पूछ दे तो y इसमें है नहीं, तो y का शून्य हो जाएगा। तो क्यों हो जाता शून्य, ये जानने की इच्छा होगी जरूर दोस्तों, कि आखिर जो पूछे और वो बहुपद में नहीं रहे तो क्यों शून्य हो जाता है,
तो इसका एग्जाम्पल लेख लेते हैं, बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए 3x^5 है, 4x^3 है, माइनस 2x² है, प्लस 9 है। इसमें आपसे पूछ दे कि x का गुणांक बताएं, x कहीं है नहीं है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा दोस्तों कि 3x^5, 4x³, माइनस 2x² और x पूछे तो x हम लेकर x के आगे क्या कर देते हैं, जीरो से गुना कर देते हैं। तो जीरो से किसी भी चीज में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। यहाँ प्लस लीजिए या माइनस, जीरो तो प्लस रहे या माइनस रहे कोई फर्क नहीं है। इसलिए जो पूछे उसका गुणांक क्या होता है, शून्य। क्यों? क्योंकि जो पूछ रहा है वो नहीं है, तो उसके साथ शून्य को गुणा कर दे, बात बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो पूछे और वह बहुपद में नहीं रहे तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में भी देखेंगे, कुछ और देख लेते हैं इसमें। अब दोस्तों पद की बात करते हैं कि बहुपद में कितने पद हैं। तो अगर बहुपद में एक पद रहे और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मोनो, एक को मोनो कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, मोनो। तो अगर बहुपद में एक पद रहे तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल, मोनोमियल या मोनोनोमियल, ध्यान देंगे। अगर बहुपद में एक पद रहे तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, मोनोमियल या मोनोनोमियल। अगर बहुपद में क्या रहे, दो पद रहे, क्या रहे, दो पद, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, दो को कहते हैं बाय, दो को क्या कहते हैं, बाय। तो इससे हम क्या बोलेंगे, अगर बहुपद में दो पद रहे तो बायनोमियल, क्या कहेंगे, बायनोमियल, द्विपद। नोमियल के मतलब पद होता है दोस्तों, जिस प्रकार से पॉलीनोमियल, पॉली बहुत, नोमियल पद, बहुपद, तो मोनोमियल एक पद, बायनोमियल द्विपद। अगर तीन रहे तो इसको क्या कहते हैं, ट्राई, तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर तीन पद रहे तो क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। उसी प्रकार से बहुत सारे पद रहते हैं तो इसको क्या कहते हैं, पोली, और मिल गया नोमियल तो पोली नोमियल। समझ में आया दोस्तों, अगर बहुपद में एक पद रहे तो मोनोनोमियल, दो पद रहे तो बायनोमियल, तीन पद रहे तो ट्राइनोमियल, और बहुत सारे पद रहे तो पॉलीनोमियल। तो चलते हैं अब आगे की ओर। अब देखते हैं कितना पद है बहुपद, किसी बहुपद में देखे दोस्तों, 2x² प्लस 5x प्लस 7, तो इसमें कितने पद हो जाएंगे, तो इसमें तीन पद हो जाएंगे। उसी तरह से और लेते हैं, 7x³ माइनस 6x² प्लस 5x माइनस 9, इसमें कितने पद हो जाएंगे, तो इसमें 1, 2, 3, 4 पद हो जाएंगे, चार पद हो जाएंगे। उसी प्रकार से 3x सिर्फ है, इसमें कितने पद हो जाएंगे, तो इसमें एक पद हो जाएंगे। ax² प्लस b है, इसमें कितने पद हो जाएंगे, दो पद हो जाएंगे। तो उसी तरह से हम लोग बता सकते हैं कि बहुपद में कितने पद हैं। और ध्यान देंगे इसमें एक बात कि कोई भी बहुपद, किसी भी बहुपद का हम लोग पद देख सकते हैं, प्लस माइनस से ही डिवाइड कर रहे हैं, है ना, 1, 2, 3, 4। तो क्या प्लस और माइनस रहे किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी पॉलीनोमियल में, तो उतने पद हो जाएंगे जितने प्लस से डिफाइन रहेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें गौर करेंगे कि अगर 7x³ माइनस प्लस 5x² माइनस 3x है, और इसमें देख रहे हैं 1, 2, 3 है, अगर इसी को चलाकी कर दे कुछ इसमें, 7x³ प्लस 5x²
थ्री माइनस टू एक्स के पावर थ्री प्लस थ्री एक्स ऐसे, तो इसमें कितने पद हो जाएंगे, तो एक दो तीन चार, चार पद हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, यहां देख रहे हैं पावर सेम है, अर्थात एक जात का है, समान है, तो पहले इसमें आपस में कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन होगा। अगर जिसमें कैलकुलेशन नहीं होता उसके पार हम लोग पद को डिफाइन करते हैं, मगर यहाँ देख रहे हैं प्लस फाइव एक्स के पावर थ्री माइनस टू एक्स के पावर थ्री, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो सेवन एक्स के पावर थ्री प्लस माइनस 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 का काम करेंगे तो पांच में से दो हो गया थ्री, थ्री एक्स के पावर थ्री, और ज्यादा कौन है, पांच या दो, पांच, पांच का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस थ्री एक्स। अब कितने पद हो गए, तो तीन पद हो गए। हाँ दोस्तों, इस तरह से हम लोग पद को डिफाइन करेंगे, जरूरी नहीं है कि प्लस और माइनस है तो उतने पद हो जाएंगे, नहीं, अगर कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन करने के बाद। ऐसे अधिकतर क्वेश्चन इस तरह से मिलते हैं, इस तरह से नहीं मिलते, मगर आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग देखें कि किसी बहुपद में कितने पद हैं, तो हम लोग क्या क्या देखें दोस्तों, हम लोग देखें बहुपद का डिफिनेशन, बहुपद का डिफिनेशन, उसके बाद देखें गुणांक, देखें उसके बाद देखें पद, ठीक है, डिफिनेशन पहचानने का तरीका, गुणांक देखें, पद देखें, उसके बाद आता है दोस्तों डिग्री, क्या आता है, डिग्री आता है, घात, कितने घात का बहुपद है। तो किसी भी बहुपद के चर राशि के अधिकतम घात को डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे, अभी हम जीरो लेवल से चल रहे हैं, और यह क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, 9-10 कॉम्पिटेटिव लेवल में काम देगा भी दोस्तों, इसलिए पूरा डीपली नॉलेज के साथ हम चलेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग घर पे पढ़ें, और इसका होमवर्क आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा पीडीएफ के द्वारा। तो धन्यवाद।